साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस धरती पर भी मिनी सतलोक की, जहाँ रिहर्सल करने जा रहा है, जो वास्तविक में जो सतलोक है उसी का मिनी सतलोक, जिसे म्यूजियम होता है, उसी तरीके से आज पूर्ण परमात्मा बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की, जहाँ अवतार हुए हैं, जहाँ जन्म हुए हैं, उन्हीं धरती पर आज बनने जा रहा है मिनी सतलोक आश्रम, जो धनाना में पड़ता है। और वर्तमान में धनाना धाम के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं और है भी। मेरे भाई एवं बहनों, तो मैं आप सभी के हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहता हूँ कि एक बार धनाना धाम की, जहाँ मिनी सतलोक बन रहा है, वहाँ पर एक बार जा कर के अपने दर्शन जरूर करें। क्योंकि ये जो मानव शरीर हमें मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है, और भक्ति में भी सत भक्ति करने के लिए हमें मिला है, सत्य ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमें मिला है। और अभी के दौर में सतगुरु रामपाल जी महाराज की अतिरिक्त कोई दूसरा तत्वदर्शी संत नहीं, और पूर्ण परमात्मा कभी परमात्मा के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं। मेरे भाई एवं बहनों, हजारों लाखों वर्ष पहले परमात्मा के विधान में वह तत्वदर्शी संत बाखबर व ग्रेट साइरन की उपाधियां दे दी गई हैं। उनकी समय निर्धारित कर दी गई थी और यह कलयुग की स्थिति लाखों वर्ष पहले ही पूर्ण परमात्मा ने लिख दी थी। तो आज के युग में मानव समाज इतने भ्रमित हो चुके हैं कि सत्य ज्ञान को पहचानने से कोसों दूर है। तो यह सत्य ज्ञान को पूर्ण गुरु द्वारा ही जान जा सकता है, और वह पूर्ण गुरु, वह तत्वदर्शी संत, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। आप उनकी ज्ञान को अवश्य सुने। और मैं आपको बता दूं कि बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज इतने पराक्रमी, इतने पूर्ण संत है कि उनसे नाम दीक्षा लेने से मानव जीवन की जितना ये कष्ट समस्याएं हैं सारे पल में दूर हो जाते हैं, पाप से मुक्त कर देते हैं। और उनकी नाम दीक्षा लेने से और भक्ति करने से आपकी संपूर्ण लाभ होने लगता है। हमें कष्ट क्यों होता है? हमारे बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज बोलता है कि, और हमें सत्संग में बताया जाता है कि, हम अधिक पाप कर्म हमारे ऊपर भार होने से यह काल हमें जो है विभिन्न किस्म की यातनाएं देता है, विभिन्न किस्म की हमें जो है समस्याएं होता है। तो इन सारे समस्याओं से, इन सारी निर्धनताओं से, काम क्रोध मोह लोभ से बचने के लिए हमें बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहिए और उनकी बताई गई भक्ति से हमें पूर्ण लाभ मिलता है। और सत भक्ति सत्य ज्ञान हमें जानना भी चाहिए, मानव जीवन की यही उद्देश्य है। गुरु जी कहते हैं कि
मात पिता तो मिल जाही, लख चौरासी माही, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन का नाही। मेरे भाई एवं बहनों, हमें माता पिता व भाई बहन बंधु सखा हर एक जीव में मिल जाता है, कुत्ते गधे बिल्ली में मिल जाता है, लेकिन क्या कुत्ते के जो है गुरु है, क्या भैंस का गुरु है? नहीं ना। उनकी जीवन देखिए कितनी जो दुर्लभ है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और हमें पूर्ण परमात्मा ने मानव जीवन दिया है, इतनी बुद्धि दी है कि हम शास्त्र को जान सके, पूर्ण संत को गुरु बना करके अपने जीवन को फिर से सवार सके और जहाँ हमारा निज धाम है वहाँ जा सके। इसीलिए हमें मानव जीवन मिला है। यह मानव जीवन को हमें व्यर्थ नहीं करना है और अपने शास्त्र को जान करके, सच्चे गुरु बना करके हमें सतलोक जाना है। तो आज की हमारा यही जोर रहेगा आप सभी से कि यह मिनी सतलोक देखिए किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार से सेवा चल रहा है और कैसा होता है बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी की भक्त, इस सारे चीज़ की अनुगमन करने के लिए, मिनी सतलोक देखने के लिए एक बार अवश्य विजिट करिए धनाना धाम। इतना ही कहते हुए आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। सत्साहेब, अंत में हम यही कहेंगे कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत्साहेब।